अवैध देशी कट्टा बनाने वाले आरोपी सहित दो अन्य आरोपी देशी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने एक कार्यवाही की पुलिस द्वारा तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से तीन अवैध हथियार समेत दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें से एक आरोपी अवैध हथियार बनाने का काम करता था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। एसडीओपी टीकमगढ़ राहुल कटवे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस स्टैंड से सागर बाईपास पर दो बदमाश वारदात को अंजाम देने की मंशा से इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने टीम का गठन किया और टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा गया और उनकी तलाशी की गई। तलाशी के दौरान पुलिस को उनके पास से तीन देसी कट्टे और दोनों के पास से दो जिंदा कारतूस मिले। जब पुलिस में से शक्ति से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दीगोड़ा का बबलू कट्टा बनाने का कारोबार करता है और उसी से इन्होंने कट्टा की खरीदी की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कट्टा बनाने वाले आरोपी के साथ उसके पास से कट्टा बनाने का सामान भी जब्त किया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि यह कारोबार लंबे समय से चल रहा था। ये टीकमगढ़ क्षेत्र और छतरपुर क्षेत्र में तस्करी करते हैं, लेकिन पुलिस ने टीकमगढ़ से ही इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल तीन कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ हथियार बनाने का सामान जब्त किया है। इसमें हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बस स्टैंड से सागर बाईपास जो रोड जाता है वहाँ पे कुछ दो लोग कट्टा लेके कुछ वारदात करने के लिए घूम रहे हैं। तो जब इनको घेराबंदी करके पकड़ा तो इनके पास से दो कट्टे मिले और जिंदा कारतूस 315 बोर के एक एक मिले थे। तो जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि दिगोड़ा का एक व्यक्ति है बबलू कुशवाहा, वो कट्टा बनाता है और उसी ने इनको बेचा है। फिर उनके मेमोरेंडम पे इसको गिरफ्तार किया और इसके पुराने भी अपराध है कट्टे बनाने और बेचने के। तो इसके पास से कट्टा बनाने का सामान सामग्री और एक देसी कट्टा बना हुआ जब्त किया है और एक जिंदा कारतूस। कट्टा बनाते थे स्थान कौन? ये दिगोड़ा में इसका गांव है, कंजना गांव है, दिगोड़ा थाना क्षेत्र में आता है, कंजना करके गांव है, वहां ये अपने घर में कट्टा बनाता है। ये 25/27 और 25/1/2 में इसमें मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों ने कहीं और भी बेचे होंगे, उसके लिए भी हमने वो किया, जहाँ जहाँ इनने बेचे पूरी लिंक हम खंगाल रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे मेमोरेंडम में नाम खुलते जाएंगे उसमें हम कट्टे जब्त करते जाएंगे। अभी कितने आरोपी बनाए गए हैं? अभी तीन आरोपी हमारे पास है जिनके पास एक एक कट्टा बरामद हुआ है। अभी इसमें कुछ अन्य आरोपी भी है जो भी हम सर्च कर रहे हैं, जैसे मिल जाएगा तो उसको नाम उजागर कर देंगे। कितने समय से चल रहा था ये अवैध हथियार बनाने का? ये इसने तो बताया कि ये बहुत पहले से कर रहा था। अब बाकी जैसे जितने कट्टे इन्होंने बेचे अभी तो क्योंकि तीन ही जब्त हुए हैं, जैसे ज्यादा सामग्री जब्त होगी कट्टे जब्त होंगे तो पता चलेगा कि कितने दिन, क्योंकि एक कट्टा बनाने में समय तो बहुत लगता है, उस हिसाब से फिर बता पाएंगे कितने दिनों से चल रहा। समय से कारोबार कर रहे थे इन्होंने, कहां कहां तस्करी की है? ये टीकमगढ़ में भी करते थे और बाहर इधर छतरपुर आसपास जिलों में भी ये कट्टे की तस्करी करते थे, लेकिन हमारे पास अभी टीकमगढ़ के ही कट्टे बरामद हमने किए हैं। अन्य जिलों में हमने इनकी खबर भेजी है, जैसे ही जानकारी मिलेगी तो इसमें अपडेट करेंगे। सॉरी।